नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल न्यूज रूम में। अभी आप एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है जो कि UPI पेमेंट चार्जेस को लेके है, UPI पेमेंट चार्जेस को लेके देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते कि एक बहुत ही सर्चेबल और डिमांडेबल टॉपिक है जिसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। और UPI पेमेंट जैसे कि अगर देखेंगे तो अभी हर एक बंदा या बंदी जो है UPI पेमेंट करता है, तो अभी उसको लेके एक बहुत बड़ा बदलाव जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो चल के आगे हो सकता है कि आपको चार्जेबल हो, मतलब आपको जो एक कुछ चार्ज देना पड़े अगर आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं। वीडियो पे पूरा बने रहिए दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स में जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा जो आप UPI पेमेंट करते उसको लेके। तो आप देख सकते हैं कि जो UPI है, मतलब आने के बाद अगर देखते हैं तो देश में जो है डिजिटल पेमेंट का जो एक क्रांति बोल सकते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी हम लोग को देखने को मिला। हर कोई अगर देखते तो डिजिटल पेमेंट जो है करता है UPI के जरिए। बहुत सारे UPI है मार्केट में, तो जो भी आप बैंक या फिर जो भी आप सर्विस यूज़ करते हैं उसके जरिए जो आपकी UPI सर्विसेज मिल जाता है। आज के समय पर अगर देखेंगे एक छोटा दुकानदार से लेके बड़े ई कॉमर्स कंपनी कोई भी अगर देखेंगे तो UPI यूज़ करता है। अभी आके देखेंगे तो बीते सालों में अगर देखेंगे तो UPI से होने वाले ट्रांजेक्शन में एक रिकॉर्ड भी देखने को मिला है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और आज के समय में अगर देखते हैं तो इससे अधिकतर लोग UPI के जरिए ही पेमेंट करना पसंद करते हैं। हालांकि अगर देखेंगे तो नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से UPI से पेमेंट करने पर आपको चार्ज भी देना पड़ सकता है। और UPI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अभी यहाँ पे देखते हैं तो UPI से जुड़े एक सर्कुलर निकला गया है। अगर आप देखते तो जो इसमें UPI से होने वाले मर्चेंट पेमेंट पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI चार्ज लगाने का ऐसा बात चल रहा है। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल वॉलेट से किसी भी बिजनेसमैन को या व्यापारी को, दुकानदार को, अगर आपने 2000 से अधिक राशि का ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर जो है आपको कुछ फीस देना पड़ेगा, उसके ऊपर जो है आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। तो ये बोल सकते हैं कि UPI में हो सकता है कि आगे जाके इसमें और भी कुछ चेंजेस देखने को मिले। अभी जो ये नया बदलाव या फिर नया चेंजेस देखने को मिल रहा है UPI पेमेंट को लेके, ये एक बहुत बड़ा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर देखेंगे तो देश के हर एक व्यक्ति जो अगर देखते तो मतलब UPI ट्रांजेक्शन जो है करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके ओर से ये अपडेट दिया गया है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है PPI फीस, ये लगाया जाएगा। और जो भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे फीस वुड बी अप्लाइड टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन ऑन UPI बीइंग ऑन अप्रैल 1st। तो अगर आप यहाँ पे द गवर्निंग बॉडी इन रिसेंट सर्कुलर ये बताया है कि प्रीपेड पेमेंट जो है यहाँ पे लगाया जा सकता है जो 2000 के ऊपर ट्रांजेक्शन करेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजिंग PPIs ऑन UPI विल हैव टू पे 1.1% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो मतलब जो भी यहाँ पे 2000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसमें आप देख सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं कि 1.1% जो एक ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे आगे चल के आपको देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे जो है प्राइसिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन April 1st, 2023 एंड देन अगेन रिव्यूड बाय September 30, 2023। तो यहाँ पे फिलहाल अगर बताया जा रहा है तो 2000 के ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर जो है 1.1% आपको एक ट्रांजेक्शन वैल्यू या फिर ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ेगा। और ये जो चार्जेस है शुरू होगा 1st अप्रैल से, और उसके बाद जो है फिर से इसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है। तो फिलहाल उसके चलते अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जैसे कि Paytm, अगर देख लीजिए देखते हैं तो Paytm के शेयर में भी थोड़ा गिरावट बढ़ता हुआ दिखा है। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जहां से आप जिसका भी आप सर्विस यूज़ करते हैं जो UPI है उसके लिए अगर आप 2000 के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके चलते हो सकता है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक फीस भी देना पड़े। आपको क्या लगता है UPI ट्रांजेक्शन को लेकर जरूर आप हमें, या फिर UPI ट्रांजेक्शन के फीस को लेकर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।